जयपुर के कर्णी विहार इलाके में एक युवक की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। यहां रजनी विहार कॉलोनी में पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा के बेटे क्षितिज ने आगरा निवासी मोहन की बैट से पीट पीट कर जान ले ली। घटना कर्णी विहार थाना क्षेत्र के रजनी विहार पार्क के पास मंगलवार रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने क्षितिज को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि क्षितिज घर के बाहर खड़ा था। घर के बाहर खड़ी स्कूटी को इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा ने अंदर किया, उसके बाद उधर से मोहन गुजरा था। पूर्व में मोहन के साथ क्षितिज की किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी, इसलिए मोहन ने उसके घर के सामने आकर उसे दो बातें कह दी। तैश में आए इंस्पेक्टर के बेटे क्षितिज अंदर गया और हाथ में बैट लेकर आया और एक के बाद एक 4 वार कर दिए। मोहन की चीख पुकार सुनकर इंस्पेक्टर बाप प्रशांत शर्मा भी बाहर आ गया था। तब भी क्षितिज अपने पिता के सामने ही मोहन पर वार करता रहा। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। हत्यारे क्षितिज कुमार का पिता प्रशांत शर्मा, जो कि वर्तमान में सीएमओ जयपुर में पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत है, हत्या के बाद क्षितिज और उसके परिवार ने शव को ठिकाने लगाने के लिए फुहार में डाला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इसमें क्षितिज के हाथ में बैट दिख रहा है, इसके बाद वह मोहन के सर पर पीछे से वार करता है। 3 वार के बाद मोहन नीचे गिर जाता है, लेकिन इसके बाद भी गुस्से में क्षितिज ने जमीन पर गिरे हुए मोहन के सर पर एक और बैट से वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। बैट से हमला करने के दौरान क्षितिज के पिता प्रशांत शर्मा भी चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर निकले। बताया जा रहा है कि पिता की आंखें सामने क्षितिज ने मोहन के सिर पर वही वार कर दिया था। हत्या के बाद घर के बरामदे में रखी कार को बाहर निकाला गया। परिवार के सदस्यों की मदद से लहूलुहान मोहन के शव को कार में पिछली सीट पर डालकर मृतक की चप्पलों को भी पीछे कार में डाल दिया गया। कार को शव में रखकर वहां से परिवार के सदस्य रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि हत्या के मामले में पुलिस निरीक्षक के बेटे किसी से पूछताछ की जा रही है। वही तमाम अधिकारी हैं वो इस मामले में जुट गए हैं। मोहन नाम का व्यक्ति था जो सब्जी ठेले का काम करता था। तो रजनी विहार में कल रात को 10:30 बजे कोई क्षितिज नाम का लड़का, उससे कोई बोलचाल हो गई थी। उसमें उस आपस में कोई मारपीट होना बताते हैं, जिसमें कल रात को घायल हो गया था। तो उसको हॉस्पिटल लेके आए थे, तो रात में लगभग 4:45 बजे सुबह उसकी डेथ हो गई है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम करवाकर बॉडी वारिसान को सुपुर्द की जा रही है। अभी इसमें हिरासत का तो नहीं है, मैं अभी जाऊँगा तो अभी तलाश के लिए टीमें लगा रखी हैं। उसके जिसने चोट पहुँचाई है या जिसने उसके लिए तलाश के लिए टीम का गठन किया गया। अभी इस संबंध में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे जगदम्बा नगर हीरापुरा दशहरा मैदान पे वो किसका काम बताया, प्रशांत शर्मा का लड़का नशेरी है। मेरा भाई वहाँ से जाता था मंदिर से, मोहन नाम है, सब्जी का ठेला लगाता है। वहाँ से रोज आता जाता मंदिर जाता है। कल रात को 10:30 बजे मंदिर गया था। उसके लड़के ने, प्रशांत शर्मा के लड़के ने उसको बैट से खूब मारा। दोनों बाप बेटों ने खूब मारा है मेरे बच्चे को, मार मार के जान से ख़त्म कर दिया है। हाल फिलहाल आप कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ? हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बैठे हैं, क्या है क्या नहीं है उसके लिए, बॉडी के लिए बैठे हैं। आपकी एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर दर्ज करी है अभी, उसको पता नहीं है। वहाँ पर भी ये करवा के आए हैं, यहाँ भी 2-3 पुलिस वालों से करवाई है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारा जॉब तो दो। हम जो अकेली माँ है उसको कौन पाल पोस के रखेगा? अकेला कमाने वाला था हमारा भाई, एक ही था, और कौन है उसके बुढ़िया का सारा बताओ? कोई तो होगा, उसको कौन पालेगा, कौन पाल पोसेगा? दो हमें मुआवजा, दिलवाओ हमें, हम इंसाफ चाहते हैं। मैं हम लोग इसलिए बैठे क्योंकि मेरे भाई को ना मार दिया जान से। कुछ है पड़ोस में हमारे कोई, ये जगदम्बा नगर यहाँ पे। मेरा भाई रात को जा रहा था, पी रखा था वो, उससे कोई अनाखुनी हो गई होगी। तो उसके बेटे ने, कोई एसपी है पता नहीं कौन है, हम जानते भी नहीं है उसको, उसके बेटे ने नशा वसा करता है वो। कॉलोनी के सारे बोलते कि ये लड़का बहुत बेकार है। उसने रात को ऐसा मारा है उसके सर ही सर में, बेड ही बेड, उसको जान से ख़त्म कर दिया। अब उसकी माँ ये बैठी हुई है, उसका क्या होगा? उसकी अभी छोटी बहन भी बैठी है, मेरे पापा भी नहीं है, हम तो चलो शादीशुदा है, उसका क्या होगा जो अकेली घर में बैठी है? दोनों माँ बैठी है ना, उसका क्या होगा? हम तो बस यही चाहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ करो, उसको मुनाफा दिलवाओ और उसको सजा दिलवाओ कड़ी से कड़ी। सर जो छोरा है ना, ये एक नंबर का नशेड़ी है और इसने ही मारा है इसके चक्कर में। और कोई ना कोई कारण, वो आदमी, वो जो सब्जी वाला था ना, वो भी सीधा आदमी था, वो गलत आदमी नहीं था। अब उसका जो है वो, अब आप लोग देखो उसका।
पहले कर चुका है यहाँ पे, दो तीन जनों से मारपीट कर चुका है वो, यानी किसी से, यानी वो नशे में रहता है ना, किसी से, किसी ना किसी से ही चाहता है कि वो लड़ाई हो उससे। ये कोई यानी परेशान करने का काम है उसका, ये चीज़ पाली वाले यहाँ एक किराना वाला है, उसको भी मारा बेचारे को बिना मतलब में, ये चीज़ है।